नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है और उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि कोई भी बल्लेबाज आखिरी में फिनिश नहीं कर पाया। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय टीम 31 तारीख को खेले जाने वाले न्यूजीलैंड के मुकाबले में एक नए खिलाड़ी की एंट्री करने जा रही है, यानी एक नए ऑलराउंडर की एंट्री होने जा रही है भारतीय टीम में। ऐसे में दोस्तों, चलिए बताते हैं कौन सा वह खिलाड़ी और क्या करने वाला है और किसकी जगह पे आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी हैं हार्दिक पांड्या के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में भारत के लिए जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर उसे T20 वर्ल्ड कप की रेस में बने रहना है तो उसे न्यूजीलैंड को हराना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, न्यूजीलैंड अगर हारता नहीं है तो भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो जाएगी और पहला मुकाबला हारने के बाद यह दबाव भी उनके ऊपर रहेगा। ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम में वेंकटेश अय्यर की एंट्री होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के तौर पर वेंकटेश अय्यर की टीम में वापसी हो सकती है। वेंकटेश IPL में बेहतरीन फॉर्म में थे, ऐसे में अब हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है उनको, तो भारतीय टीम में उनकी वापसी हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, हार्दिक पांड्या रेगुलर टीम इंडिया के लिए खेलते रहे हैं और वो एक प्योर ऑलराउंडर हैं, पर दोस्तों उनको T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में ही बाहर कर देना एक बहुत बड़ी खबर साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या हार्दिक पांड्या को बाहर कर देना चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ऐसे ही क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।